तो गाइस आज की जो वीडियो ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं यहाँ पे 10 बार्बी डॉल सेट अनबॉक्सिंग के लिए लेके आ चुका हूँ। और जितने भी दोस्तों यहाँ पे आप लोग बार्बी डॉल्स के प्रोडक्ट देख रहे हो वो दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट आए हुए थे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे क्रेजी टॉयज। तो लास्ट वीडियो देखा तभी आप लोग को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे डॉल में से कौन से वाली डॉल आप लोग को परचेस करनी चाहिए, कौन से वाले बेस्ट है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। तो मुझे पता है दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाती यहाँ पे छोटी मोटी बार्बी डॉल से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे हमें एक नॉर्मल बार्बी डॉल, पाउच वाली बार्बी डॉल भी आप लोग कह सकते हो। प्राइस की दोस्तों में बात करना चाहिए कुछ 100 रुपये के आसपास मुझे मिल गई थी। तो क्वालिटी दोस्तों चेक कर लेते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारे अलग अलग यूनिक पैटर्न भी मिलती है यहाँ पे। जैसे डॉल तो सेम ही जैसी रहती है लेकिन इसमें कपड़े वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग क्वालिटी देख सकते हो और प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। तो जो डॉल है वो आपको सिलिकॉन मटेरियल मिलने वाला है। मुझे लगा कि ये प्लास्टिक मटेरियल होगा लेकिन ये सिलिकॉन मटेरियल आप लोग देख सकते हो। प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया, कपड़े क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी स्टैंडर्ड मिलने वाली है। ये देखिए, ये सिर मूव करने वाला है, पैर भी मूव कर रहे हैं, हैंड वगैरह भी दोस्तों नॉर्मल तरीके से ये मूवेबल है। काफ़ी बेस्ट डॉल दोस्तों। नेक्स्ट डॉल जो हमारी होने वाली है वो है फैशन डॉल सेट। प्राइस की दोस्तों मैं बात करना चाहिए कुछ 120-130 रुपये के आसपास मुझे मिलती है। तो फटाफट से इसको करते हैं ओपन और क्वालिटी दोस्तों देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे दो जोड़ी कपड़े मिलने वाले हैं। क्वालिटी की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेस्ट क्वालिटी। ये देखिए, नॉर्मल कपड़ा नहीं है, वैसे दोस्तों लो क्वालिटी है लेकिन क्वालिटी दोस्तों प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे आप लोग डिज़ाइन वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी मस्त। तो इसका तो दोस्तों हाथ ही निकल गया। तो ये जो दोस्तों डॉल है ना उसकी क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक, पूरी की पूरी दोस्तों जो डॉल है वो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पे सिर वगैरह मूवेबल है, हैंड वगैरह मूवेबल है, पैर दोस्तों मूव करने वाले हैं। ये कपड़े की क्वालिटी भी दोस्तों ठीक ठाक है। और यहाँ पे हमें एक कीचेन भी मिलता है डॉल का, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, काफ़ी यार मज़ेदार और प्राइस की सबसे भी काफ़ी बेस्ट है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी, बहुत ही छोटा सा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्यूटी बार्बी डॉल। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्राइस की दोस्तों मैं बात करना थी कुछ 200 रुपये के आसपास मुझे मिल गई थी। तो फटाफट से इसको करते हैं ओपन। वन पीस वाली डॉल हो लेकिन क्वालिटी आपको काफ़ी शानदार मिलने वाली है। यहाँ पे ये देखिए, ये भी पूरी की पूरी दोस्तों जो डॉल है वो आपको सिलिकॉन मटेरियल ही मिलने वाला है। ये देखिए, नॉर्मल तरीके से हैंड वगैरह मूव करने वाला है। यहाँ पे आपको एक नेकलेस देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे इसका जो सिर है वो भी मूव करने वाला है, पैर भी दोस्तों मूव करने वाला है। यहाँ पे आपको साथ में हील्स भी देखने को मिलेगी। कपड़े की क्वालिटी दोस्तों एक नंबर यहाँ पे मिलने वाले, सबसे बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे कपड़े की मुझे लगी। यहाँ पे आप लोग पैटर्न वगैरह देख सकते हो, काफ़ी मस्त पैटर्न सेट की हुई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हेयर है ना इसके, वो आपको काफ़ी लंबे मिलने वाला है। इतने लंबे हेयर है, हाईलाइट की हुई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और वैसी वाली डॉल है, तो इसको भी करते हैं ओपन। तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेम ही वाली डॉल है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे तो जो पहले दिखा है वैसे ही मिलने वाले हैं, सेम टू सेम। यहाँ पे दोस्तों छोटा मोटा सा ही फर्क होगा, बाकी सेम ही जैसा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कपड़े भी दोस्तों सेम ही जैसे। ये देखिए, थोड़ा सा दोस्तों कलर का ही फर्क है। यहाँ पे ये थोड़ा लाइट वाला कलर है, ये थोड़ा सा डार्क वाला कलर है। तो आप लोग देख सकते हो क्वालिटी वैसे दोस्तों सेम ही जैसी है। ये देखिए, फेस भी सेम ही जैसा है, कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए, इसके जो हेयर हैं वो भी आपको लंबे ही मिलने वाला है। यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, पैर वगैरह नॉर्मल तरीके से मूवेबल है। ये देखिए, यहाँ पे हैंड भी मूव कर रहा है। और दोस्तों इसकी जो कमर है वो भी मूवेबल है। इसमें दोस्तों कमर शायद नहीं मूव, नहीं इसमें भी करने ही वाली है, मुझे लगा कि यार नहीं करेगी, लेकिन इसमें भी कमर मूव कर रही है और इसमें भी वैसी ही। और पूरी की पूरी दोस्तों जो डॉल है वो आपको सिलिकॉन मटेरियल ही मिलने वाला है, इसमें भी आपको हिल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमें नेक्स्ट डॉल होने वाली है वो है रियल प्रिंसेस। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया प्राइस की दोस्तों में बात करना थी कुछ 350 रुपये के आसपास मुझे मिल गई थी। तो फटाफट से इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसकी दोस्तों जो आईज है वो रियलिटी ऊपर है। ये देखिए, ये रियल जैसी आईज मिलने वाली है। यहाँ पे काफ़ी फिनिशिंग से दोस्तों काम किया हुआ है
और पूरी की पूरी दोस्तों जो डॉल है वो आपको रबड़ मटेरियल मिलने वाला, लेकिन यहाँ पे शूज मुझे लगता है कि थोड़े से बड़े दे दिए, ये देखिए। बाकी सब दोस्तों आपको काफ़ी मस्त मिलने वाला है, काफ़ी बढ़िया। ये देखिए इसके पैर वगैरह मूव करने वाले हैं, यहाँ पे हैंड वगैरह मूव करने वाला है, सिर भी दोस्तों मूव करने वाला है, और इसकी जो हेयर है वो ओपन और काफ़ी लंबे हैं। ये देखिए काफ़ी सारे हेयर मिलने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया डॉल है। इसके शूज़ निकल गए। फिर इसके साथ हमें ये कंघी मिलने वाली है, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये निकल गया, ये दोस्तों आराम से लग जाएगा। इसके साथ दोस्तों हमें कंघी मिलने वाले हैं, क्वालिटी आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया, प्लास्टिक मटेरियल काफ़ी मस्त है। इसके बाद दोस्तों हेयर बैंड है ये, जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी मस्त क्वालिटी का। इसमें एक और हेयर बैंड मिलने वाला है, दोनों कलर अलग ही है, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये देखिए। फिर यहाँ पे ये एक मिरर मिलने वाला है, वैसा ही लेकिन ये कंघी है और ये मिरर है, काफ़ी बेस्ट। और लास्ट में दोस्तों एक रोलर, हेयर वगैरह कर्ली करने के लिए एक रोलर भी मिलता है। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है वो है थ्री सिस्टर प्रिंसेस। तो गाइज यहाँ पे आप लोग एक डॉल नहीं, यहाँ पे तीन डॉल मिलने वाली है। प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँगा तो कुछ 450 रुपये के आसपास मुझे मिल गया था ये प्रोडक्ट, तो इसको भी कर लेते हैं ओपन। तो गाइज यहाँ पे मैंने तीनों सिस्टर को एक ही साथ निकाल दिया है, और आप लोग देख सकते हो तीनों की तीनों दोस्तों अलग ही मिलने वाली है। मुझे लगता है कि यहाँ पे फेस वगैरह तो दोस्तों सेम ही जैसा है, यहाँ पे कपड़े का फ़र्क है, और यहाँ पे ये जो हेयर है उसका फ़र्क है, और यहाँ पे ये शूज़ है उसका फ़र्क है। बाकी सब दोस्तों मुझे ये देखिए फेस वगैरह आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये सेम ही तरह के नज़र आने वाले हैं। क्वालिटी की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो फुल फ्रेम जो डॉल है वो आपको सिलिकॉन मटेरियल मिलने वाला है, काफ़ी दोस्तों अच्छा खासा प्लास्टिक यूज़ किया गया, ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और इसके हेयर देख सकते हो, ये काले हेयर है इसके, ये क्या बोलेंगे इसको, कॉफ़ी कलर के हेयर हैं। फिर यहाँ पे ये येल्लो या फिर गोल्डन भी आप लोग कह सकते हो। तो क्वालिटी दोस्तों स्टैंडर्ड, इसकी कपड़े क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी, ये ख़राब होने वाले हैं नहीं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है वो है ब्यूटी फैशन गर्ल। तो फटाफट से इसको भी करते हैं ओपन, और बॉक्स वगैरह दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँ थी कुछ 350 रुपये के आसपास मुझे डॉल मिल गई थी। तो गाइस यहाँ पे आपको न्यू स्टाइल में कंघी मिलने वाली है, यहाँ पे आप लोग स्टाइल वगैरह देख सकते हो काफ़ी बढ़िया, प्लास्टिक क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी अमेजिंग मिलने वाली है। इसके बाद डॉल की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे भले ही वन पीस डॉल मिलने वाले हो, लेकिन ये जो डॉल है ना वो आपको काफ़ी बढ़िया, फर्स्ट तो दोस्तों यहाँ पे फुल फ्रेम जो डॉल है वो आपको सिलिकॉन मटेरियल मिलने वाला है, और इसकी जो हैंड है ना वो दोस्तों आपको काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से ये मूवेबल है, आप इसको जिस तरह मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो। इसमें आपको दो कंगन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे बड़ा वाला नेकलेस है ये देखिए काफ़ी बड़ा, और इयररिंग्स भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे ये दोनों के दोनों। और ड्रेस की क्वालिटी की दोस्तों मैं बात करूँ तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेस्ट ड्रेस मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग पैटर्न देख सकते हो, ये देखिए नेट वाला पैटर्न है, क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा, डिज़ाइन भी और न्यू लुक है। हमारी जो नेक्स्ट डॉल होने वाले वो है प्रिटी गर्ल। गाइस यहाँ पे फाइनली डॉल निकल चुकी है, और प्राइस की दोस्तों में बात करूँ जी कुछ 380 रुपये के आसपास मुझे मिल गई थी। तो फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे कपड़े से ही स्टार्ट करूँगा मैं, तो प्राइस के हिसाब से दोस्तों जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी स्टैंडर्ड मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों इसकी क्वालिटी इन तीनों से कई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पे आप लोग पैटर्न वगैरह देख सकते हो, कपड़ा भी काफ़ी मस्त है। इसके बाद दोस्तों ये वाली क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हो, इन दोनों से अच्छी ये वाली क्वालिटी है, इसमें भी आपको न्यू पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ये रेड वाले में भी आपको कुछ न्यू पैटर्न देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिटी दोस्तों आपको ठीक ठाक मिलने वाली है, और इसमें भी आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मिलने वाली है ड्रेस की, और पैटर्न आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त। तो चार जोड़ी दोस्तों कपड़े मिलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हाउस है, बारबी हाउस, तो ये दोस्तों सिर्फ 100 पीस के लिए ही मिलता है, यहाँ पे कोई नहीं है, देखे पीछे तो खाली है। तो गाइज यहाँ पे ये डोर वगैरह ओपन होने वाला है नहीं, यहाँ पे ये लगाया गया है, तो ये देखिए विंडो वगैरह, यहाँ पे फैक्सिन वगैरह भी है, प्लास्टिक क्वालिटी दोस्तों काफ़ी बेस्ट है। और यहाँ पे डॉल की बात कर लेते हैं,
तो गाइज यहाँ पे डॉल की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो ये भी फ्लेक्सिबल डॉल ही मिलने वाले हैं यहाँ पे। हैंड वगैरह काफ़ी बढ़िया तरह से मूवेबल है ये देखिए। और यहाँ पे दोस्तों जो इसकी हैंड है वो सिलिकॉन मटेरियल के है, लेकिन यहाँ पे जो पैर है ना वो आपको प्लास्टिक मटेरियल मिलने वाला है। ऐसा वैसा दोस्तों प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ड्रेस की मैं बात करूँ तो आपको पैटर्न न्यू देखने को मिलेगी और क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया स्टैंडर्ड क्वालिटी है। तो यहाँ पे स्टोन वगैरह है, फिर ये देखिए इसकी हेयर आप लोग देख सकते हो, काफ़ी लंबे हेयर आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। हाईलाइट वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी मस्त। हाँ दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मिस इंडिया की, तो गाइज यहाँ पे प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँगा तो कुछ 500 रुपए के आसपास मुझे डॉल मिल गई थी। और यहाँ पे दोस्तों इसकी मेन खासियत ये है कि इसमें आपको कपड़े काफ़ी बढ़िया मिलने वाले हैं मिस इंडिया जैसे। तो कपड़े से दोस्तों मैं स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पर ये 3 जोड़ी कपड़े हैं। क्वालिटी दोस्तों प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे ये लो क्वालिटी वाला है और ये जरी वाला कपड़ा, तो इसकी भी क्वालिटी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है और इसकी भी क्वालिटी आपको काफ़ी मस्त मिलने वाली है। और इसमें दोस्तों सेम ही जैसे है लेकिन कलर का ही फ़र्क है, ये देखिए तीनों के तीनों सेम ही जैसे कलर का ही फ़र्क है। ये देखिए इसकी भी क्वालिटी बेस्ट, इसकी जो क्वालिटी है वो आपको लो मिलने वाली है और यहाँ पर ये जरी वाला, तो टोटल हमें 6 जोड़ी कपड़े मिलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 हेयर पिन मिलने वाली है, तो ये दोस्तों आप लोग रियल में यूज कर सकते हो। ये देखिए काफी बढ़िया क्वालिटी मिलती है, ये देखिए फिनिशिंग और प्लास्टिक क्वालिटी काफी मस्त। पर्स वगैरह भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये दोस्तों काफी बड़ा पर्स है और ये कुछ इस तरीके से ओपन करके आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। क्वालिटी और फिनिशिंग की दोस्तों मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कंघी देखने को मिल जाएंगी, तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी कंघी है, इसको भी आप लोग रियल में यूज़ कर सकते हो। क्वालिटी और फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त है। तो गाइस यहाँ पे चश्मे की मैं बात करूँ ना तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में चश्मा मिलने वाला है और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा धुंधला धुंधला, तो ये गर्ल्स के लिए स्पेशली आप लोग डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो। और ये दोस्तों लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, ये टूटने वालों में से नहीं है, काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक यूज़ किया गया है, काफ़ी मस्त। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डॉल की मैं बात करूँ तो फुल फ्रेम प्लास्टिक मटेरियल ही मिलने वाला है डॉल का, लेकिन ऐसा वैसा दोस्तों प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक फिनिशिंग से दोस्तों बनाया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हो कपड़े क्वालिटी दोस्तों मुझे एक नंबर लगी, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कलर और डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। हमें दोस्तों शेर वगैरह, फिर यहाँ पे हैंड वगैरह नॉर्मल तरीके से ये मूव कर सकते हैं, फिर यहाँ पर दोस्तों जो इसके पैर है वो मूव करने वाले हैं नहीं, और आप लोग देख सकते हो इसके जो हेयर है वो भी लंबे मिलने वाले हैं नहीं, छोटे छोटे वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी जो लास्ट वाली डॉल है वो है फ्रोजन प्रिंसेस। तो गाइस आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इस वाली डॉल की जो मूवी है वो किन किन लोगों ने देखी है, तो फटाफट से इसको मैं निकाल देता हूँ। गाइस प्राइस की मैं बात करूँ ना तो ये जो पूरी की पूरी डॉल है वो मुझे कुछ 350 रुपये के आसपास मिल गई थी। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें एक ताज मिलने वाला है, गाइज यहाँ पे आप लोग ताज देख सकते हो, ये कोई स्टोन वगैरह लगे हुए नहीं है, ये कलर किया गया है। क्वालिटी दोस्तों मुझे ठीक ठाक लगी क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग भी रह गया है ये देखिए, और इतनी शाइनिंग भी नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी आपको मिलने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेकलेस की मैं बात कर लेता हूँ, तो गाइज यहाँ पे जो नेकलेस है वो आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में मिलने वाला है, इसकी जो स्टोन है वो लगे हुए हैं ये देखिए, और काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहे हैं, इसकी जो शाइनिंग है वो भी काफ़ी मस्त है, ये देखिए इसकी शाइनिंग देखिए और इसकी शाइनिंग देखिए, ये चमक रहा होगा ये देखिए, और ये भी आप लोग रियल में यूज़ कर सकते हो काफ़ी बढ़िया तरह से हमारी प्रिंसेस। तो गाइज यहाँ पे आप लोग प्रिंसेस देख सकते हो, ये इसके हेयर जो काफ़ी बढ़िया होते हैं, और यहाँ पे जो हैंड वगैरह है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से मूवेबल है ये देखिए,
क्वालिटी दोस्तों आपको फुल फ्रेम डॉल की सिलिकॉन मटेरियल ही मिलने वाला है। और यहाँ पे ड्रेस की डिज़ाइन भी देख सकते हो और काफ़ी कलरफुल और अमेजिंग, काफ़ी मस्त। और ये शूज़ भी आपको मिलने वाला है साथ में, ये देखिए। और पेयर वगैरह दोस्तों नॉर्मल तरीके से ये मूवेबल है, सिर भी दोस्तों मूव करने वाला है और हैंड वगैरह भी, ये देखिए। कपड़े क्वालिटी दोस्तों मुझे प्राइस की तरफ से काफ़ी बेस्ट लगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइज आप लोगों को इन 10 बारबी डॉल सेट में से कौन सा वाला सेट सबसे ज़्यादा पसंद आया वो दोस्तों कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे दोस्तों प्राइस की तरफ से यहाँ पे सभी की सभी जो डॉल है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी। फिर भी दोस्तों आप लोगों को इनमें से कुछ डॉल परचेस करनी है तो मैं सजेशन देने वाला हूँ यहाँ पे ये जो वाली डॉल है वो आप लोग परचेस कर सकते हो, इसकी बेस्ट क्वालिटी आपको मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे 3 सिस्टर है उसको भी परचेस कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों 1 पीस वाली में ये वाली जो डॉल है वो भी आप लोग परचेस कर सकते हो। वैसे दोस्तों दोनों के दोनों सेम है लेकिन दोस्तों सिर्फ बॉक्स का फ़र्क है, ये पाउच में आती है और ये बॉक्स में आती है। और यहाँ पे ये जो वाली डॉल है वो भी आप लोग परचेस कर सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया है ये पाउच वाली डॉल। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर ये जो फॉर्जिन प्रिंसेस वाली डॉल है उसको भी आप लोग परचेस कर सकते हो। तो जल्दी से जुड़ने से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला हो। तो चले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।